तेरे बिन हमको जीना नहीं है, तुम जो छोड़े तो मर जाऊंगी मैं। अपना फायदा ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन किसी का नुकसान होने दे दूंगी। किसने आपको इस बार जो है बहुत ज्यादा जोश दिलाया कि नहीं अब तो गाना ही है, बस बहुत हो गया? तो वैसे फिर रानी जी का आया रिएक्शन, वेरी नाइस वॉइस। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश, और आइए आपको मिलवाते हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री स्मिति सिन्हा से। हाय, कैसी हैं मैम? बहुत अच्छी हूं धर्म, थैंक यू सो मच। और हिंदी रश देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, आपको बताएं कि स्मिति जी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग तो की है, आप जानते ही हैं, लेकिन अब सिंगिंग की दुनिया में भी आप डेब्यू करने जा रहे हैं, राइट? लेकिन भोजपुरी सॉन्ग नहीं बल्कि हिंदी सॉन्ग के साथ। हाँ जी, और डेब्यू हो चुका है, आज ही मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है, और बहुत अच्छा वो फीडबैक मिल रहा है लोगों से, बहुत एक्साइटेड हैं लोग मेरे सॉन्ग को लेकर, और तो मैं तो डबल ट्रिपल एक्साइटेड हुई जा रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इस गाने के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन क्यों ना दोस्तों इनकी आवाज में लाइव हम दो लाइन सुनी लें, तो शुरू हो जाइए। यस। तेरे बिन हमको जीना नहीं है, तेरे बिन हमको जीना नहीं है, तुम जो छोड़े तो मर जाऊंगी मैं, तुम जो छोड़े तो मर जाऊंगी मैं। सुबह से गा गा। अच्छा एक बात बताइए कि इतनी बार हमने आपका इंटरव्यू किया है, लेकिन आज तक आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप गाने में भी रुचि रखती हैं। नहीं, गाने के लिए तो एक पिछली बार आपने मुझे गिटार बजवाकर गाना गवाया था, तो चल रहा था ऐसा, लेकिन कभी मैंने सीरियसली लिया नहीं इसको। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं नहीं यार, मैं रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसे बाथरूम सिंगर होना और ऐसे गाने गाने में बहुत, मतलब बहुत अंतर है। जब अभी मैंने गाना गाया तो मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन चलो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा फियर था, अब वो निकल गया। तो किसने आपको इस बार जो है बहुत ज़्यादा जोश दिलाया कि नहीं अब तो गाना ही है, बस बहुत हो गया? एक्चुअली जेपी स्टार पिक्चर्स भोजपुरी जो है, उन्होंने फिल्म बनाई थी भाग्य सारी भाग, तो वहाँ से लोगों ने मुझे, मतलब उन लोगों से अच्छा ये था, बॉन्डिंग अच्छी थी, और मोती जी वहाँ के उस फिल्म के प्रोडक्शन हेड थे, उन्होंने एक्चुअली मुझे वन फाइन डे अचानक से उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम आपको गाना गाना है। क्या गाना गाना है कि शूटिंग करनी है? कह रहे नहीं मैडम गाना गाना है। मोदी जी आप गलत फ़ोन कर रहे हैं मुझे, गाना मैं नहीं गाती हूँ। नहीं मैडम मैं गवाऊँगा आपको, देखिए आप बहुत अच्छा गा सकते हो। एंड ही हैड दैट फीलिंग कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ उनका ये जो विश्वास था। जब मैं वहाँ स्टूडियो में पहुँची तो वहाँ आयुष जी भी बैठे थे जिन्होंने म्यूज़िक किया है इसका, और उन्होंने भी उतना ही पॉजिटिव ये किया कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा गाएंगी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं लगता है अच्छा गा लूँगी मैं। अच्छा, तो क्योंकि अब ये गाना जो है रिलीज़ हो चुका है और लोग इसे देख भी रहे हैं, सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके लिए, किसने दिया और क्या था? जैसे ही मैंने गाना अपने स्टेटस पे अपलोड किया तो सबसे पहले रिएक्शन तो मुझे लगता है फैमिली वालों का आया कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा, लेकिन जो इंडस्ट्री में से आया वो था यश जी का, एंड दैट वाज मल्टी टैलेंटेड हो आप तो। तो वैसे फिर रानी जी का आया रिएक्शन, वेरी नाइस वॉइस, तो मैंने कहा यार अच्छा है, तब तो इसका मतलब सच में अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपकी जोड़ी खेसारी जी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, खेसारी जी का रिएक्शन है, उन्होंने देखा क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़े सिंगर है? हाँ, पता नहीं देखा कि नहीं देखा है, लेकिन उनका रिएक्शन अभी तक मुझे आया नहीं है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आएगा ही, अभी मे बी वो बिजी होंगे, तो अभी तो अब गाना आए हुए ही अभी कुछ घंटे हुए हैं, तो मे बी आएगा। अच्छा, कुछ घंटे भले हुए हैं लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि काफ़ी ऑफर्स आ गए हैं गाने के आपके पास। हाँ जी, मुझे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही चार गानों का अगला कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा है क्या है ये। इतना भी नहीं मैं हुई हूँ अभी, मैं एक ही गाना गाया है, कह रहे मैडम आप गा लोगे, तो वो हुआ है, और प्लस जब से मैंने, आज रिलीज़ हुई है, जब से गाना रिलीज़ हुआ है तब से ऐसा लग रहा है दो तीन फोन्स तो मुझे सिर्फ इसलिए आ गए कि आपको मेरे लिए गाना है, आपको मेरे लिए गाना है,
अंकल जी बिल्कुल अब तो मैं गाने लगूंगी। स्मृति जी कितना फायदा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्योंकि आजकल एक्ट्रेस जो है सिंगर बन रही है, स्पेशली मैं पाकी जी की बात करूँ, रानी चटर्जी, अंजना ने भी अब गाना गा ही दिया है, अब आप भी जो है आ चुकी हैं, तो कितना फायदा होगा भोजपुरी इंडस्ट्री की और कितना नुकसान होगा उन सिंगरों का जो अभी भी लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं? नहीं, फायदा नुकसान तो पता नहीं, मैं एक्चुअली इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं है, बट हाँ मैं किसी का नुकसान तो कभी नहीं करूँगी, अपना फायदा ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन किसी का नुकसान होने दे दूंगी। ओके और इसके अलावा ये तो हिंदी सॉन्ग है, अगर भोजपुरी सॉन्ग भी गाने का मौका मिल रहा है आपको तो गाएंगी? हाँ, मैंने अभी गाया है, एक होली के अवसर पर शायद आएगा वो, लेकिन वो भी थोड़ा सैड वर्जन में ही है, बट वो अच्छा है। अच्छा, एक लाइन अगर हो सके तो अभी याद है? अभी नहीं, वो आ जाएगा ना तब सुनाऊंगी। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये जानना चाहें कि फिल्मों को लेके बात करें तो और क्या कुछ धमाका, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आपकी चल रही, क्या शूटिंग कर रही हैं आप? अभी शूटिंग तो मैं अभी कुछ दिनों पहले तक मेरी शूटिंग जो हो रही थी मैंने सब पैकअप किया है, लेकिन यस अभी 2020 जो है वो स्मृति सिन्हा विल कम विथ फुल सरप्राइज, तो बहुत सारी सरप्राइजेज हैं जो आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, तो लेट्स सी। ओके, एक बहुत अहम सवाल है, चूँकि आप बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं इस इंडस्ट्री से, तो बनता ही है कि इस मसले पे काफ़ी विवादित चीज़ें आ रही हैं, खेसारी लाल साहब पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि दूसरों के गाने लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में रितेश पांडे का हुआ था, अब एक और सिंगर हैं, आपके जहन में आई ये सारी बातें अभी तक पता चला है? नहीं, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है, ये खेसारी जी पर आई है जी, सॉरी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। चलिए कोई नहीं, बहुत बधाई फिर से एक बार आपके इस गाने के लिए, और आप लगातार सिंगिंग की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़े, और कुछ फैंस से कहना चाहें तो? जी बिल्कुल, मेरे फैंस को मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मेरे फिल्मों को प्यार दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे फिल्मों में मेरी एक्टिंग के लिए, अब गाना गाना शुरू किया है, देखिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो भर भर के प्यार दीजिए। धन्यवाद फिर से एक बार, स्मृति हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत की इस गाने पे, और दोस्तों आप भी इस गाने को सुने और अपना प्यार कमेंट के जरिए यहाँ तक पहुँचा दें, बने रहें धीरज के साथ, नमस्ते।